मैडम ने कोई भी अगर डेवलपमेंट की तो यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को लेके वो नहीं चले, उन्होंने जो भी डेवलपमेंट की और संगलदान में की और ऐसे भी बहुत से हमारे जो इशू होते थे और मैडम ने कभी वो रेज नहीं किए, वो तो सिर्फ अपना ही इलाका लेके चलते थे। देखिए जो अभी नो कॉन्फिडेंस के लिए हमने 6 लोगों ने जो एक नोटिस दिया था उसमें हमारी जो चेयरपर्सन है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस दिया गया था, क्योंकि जो हमारी चेयरपर्सन मैम थी उन्होंने कभी भी वो काउंसिल को साथ लेके कभी नहीं चले, वो उनका अगर कोई भी काम होता था तो उन्होंने एक एज ए DDC चेयरपर्सन काम नहीं किया, मतलब एक अपनी जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जैसे मैं DDC मेंबर हूँ, मैं अपनी रामन बीच कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करूँगी, वैसे ही उन्होंने भी अपने संगल दान के लिए ही काम किए। और उसके बाद जब हम काउंसिल के जब लोग बैठे, हमारे साथ हमारे सभी साथी थे, तो उनका यही कहना था कि मैडम ने कोई भी अगर डेवलपमेंट की तो यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को लेके वो नहीं चले, उन्होंने जो भी डेवलपमेंट की और संगलदान में की और ऐसे भी बहुत से हमारे जो इशू होते थे और मैडम ने कभी वो रेज नहीं किए, वो तो सिर्फ अपना ही इलाका लेके चलते थे। तो अब हमारी यही कोशिश है कि अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ नहीं, हमारे पूरे रामन डिस्ट्रिक्ट के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो अभी जैसे मैं एक थोड़ी आपको एग्जाम्पल दूँ कि हमारे एक स्टेट प्लान के रोड्स थे, हमारे स्टेट प्लान में न्यू 11 रोड्स गए थे और हमारे कुछ 18 पुराने रोड थे, उसमें अगर आप देखोगे अभी मैं आपके साथ विद प्रूफ भी थोड़े दिन बाद एक मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगी कि उन्होंने जो उसमें रोड आए हैं उसमें 11 गूल संगलदान के रोड हैं, जो इस बार नए रोड उन्होंने दिए उसमें से 5 रोड सिर्फ गूल संगलदान की है। तो जब हमने मैडम से पूछा तो वो कहते नहीं जी ये पहले के थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें ऐसे मिसगाइड कर रही है, उन्होंने कोई भी काउंसिल के जो अपने हमारे मेंबर हैं जो सभी मेंबर हैं उनको कभी भी अपने साथ लेके वो नहीं चले, अगर उनको कुछ भी काम था उन्होंने सेक्रेटरी जाना तो वो सिर्फ अकेले ही जाती थी, तो उन्होंने काउंसिल की जो ये पावर्स हैं चेयरपर्सन की